गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अजय। वेलकम यू ऑल टू वीसीसी सागर। टुडे वी आर गोइंग टू कवर एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर, वी हैव डिस्कस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन वी हैव फाइंड द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिनोमियल्स। वी आर गोइंग टू कवर हाउ वी कैन डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉन्ग डिविजन मेथड। ठीक है, तो आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड, अकॉर्डिंग टू योर सीबीएसई बोर्ड, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ने से पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, अब ये रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ी होगी क्लास 9th में। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है वो एक बार हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये इससे रिलेटेड टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, जब हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं विदाउट डूइंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड किए बिना अगर हमें रिमाइंडर फाइंड करना है तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी क्लास 9th मैथमेटिक्स में डिस्कस किया है, वहाँ वो इसके सिलेबस का पार्ट है। तो जैसे तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम इफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय अ बाइनोमियल x माइनस ए देन द फैक्टर देन द रिमाइंडर कैन बी डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग पी ए। ठीक है, मतलब आपका कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, अगर उसको हम डिवाइड कर रहे हैं बाइनोमियल एक्स माइनस ए से, तो हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं पी ए करके। ठीक है, मतलब जहां जहां आपकी एक्स का मतलब वैल्यू है वहां हम क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये कैसे आया है इसको हम क्या कर देंगे, एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपको पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, सॉरी फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन। ठीक है, और इसको हमें डिवाइड करना है एक्स माइनस टू से। ठीक, आपको पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन, और उसको हमें डिवाइड करना है एक्स माइनस टू से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका सेकेंड वाला बाइनोमियल है जिससे हमें डिवाइड करना है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, उसमें से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमें कैसे निकाल ली है, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा। ठीक, तो x ये 2 वहाँ ट्रांसपोज होके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब ये हमें क्या पुट करना है, इस वाली इक्वेशन में पुट करना है, तो पता है पी एक्स इक्वल टू किसके बराबर दिया है, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे दिया था कि आपका a की वैल्यू रख रहे थे हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू रख रहे हैं, हम 2 की वैल्यू रख रहे हैं, x इक्वल टू 2 की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 क्यूब माइनस फोर टू स्क्वायर माइनस सेवन टू प्लस टेन। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 2 का क्यूब होगा 8 माइनस 2 टू जा 4 4 4 जा 16 माइनस 7 टू जा 14 प्लस 10, ये सब इक्वल टू 0 है। ठीक, सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 30 इक्वल टू 0, तो अब ये माइनस करेंगे तो आपका माइनस 12 आएगा, तो मतलब आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, माइनस
12 आ रहा है अकॉर्डिंग टू योर रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम जो आपको क्लास 9th में दी गई है उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को, दो पॉलिनोमियल को जो हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर विदाउट डूइंग एक्चुअल लॉन्ग डिविजन मेथड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात, अगर आपका रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो मतलब ये जो आपका ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल है और ये जो नीचे वाला बाइनोमियल है ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, अगर रिमाइंडर आपका जीरो आ रहा है तो ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। अभी हमने इसी सेम क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करा है, अब हम क्या करने वाले हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करने वाले हैं सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम जब इस वाले पॉलिनोमियल को इस बाइनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अभी ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब इसकी डिग्री के हिसाब से हमें क्या करना है, पावर के हिसाब से इसको अरेंज करना है। मतलब जो हाईएस्ट पावर आएगी वो पहले आएगी, फिर उसके बाद वाली पावर आएगी, यहाँ पे स्क्वायर है, फिर उसके बाद वाली पावर आएगी और सो ऑन। ठीक है, सेम तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ हाईएस्ट पावर पहले लिखी है, फिर उसके बाद पावर लिखी है, फिर उसके बाद पावर, फिर उसके बाद पावर। ठीक है, तो मतलब ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो हमें इसे अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसा लिखा है वैसे एज इट इज उसको लिख देना है, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन, और इसको डिवाइड करना है हमें एक्स माइनस टू से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पॉलिनोमियल के पहले टर्म को इस वाले बाइनोमियल के पहले टर्म से डिवाइड करना है। क्या करना है, इस वाले पॉलिनोमियल के पहले टर्म को इस वाले पॉलिनोमियल के पहले बाइनोमियल के पहले टर्म से डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब हमें एक्स क्यूब को डिवाइड करना है, इसका पहला टर्म क्या है एक्स से, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, जो आपका एक्स स्क्वायर आया है उसे हमें यहाँ लिख देना है। ठीक, और उस एक्स स्क्वायर को क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को पूरे बाइनोमियल में इंटू करना है, पूरे बाइनोमियल में इंटू करना है। ठीक है, मतलब आपका जब एक्स स्क्वायर इंटू होगा एक्स माइनस टू में तो क्या आएगा, देखो ये एक्स क्यूब और माइनस टू एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये एज इट इज़ यहाँ लिख देना है। मतलब ये पूरा इंटू करने पर, इसमें इंटू किया तो एक्स क्यूब आया और ये माइनस 2x स्क्वायर आया। अब कोई टर्म तो बच नहीं रही है तो मतलब अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इस वाले के साइन, नीचे वाले के साइन क्या कर देने हैं, चेंज कर देना है। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल के पहले टर्म को इस बाइनोमियल के पहले टर्म से डिवाइड करना है। जब हमने डिवाइड किया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर आया। एक्स स्क्वायर को क्या करना है, जो भी आएगा आपका उसको पूरे बाइनोमियल में इंटू करना है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करा तो एक्स क्यूब आया, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू करा तो माइनस टू एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, जो आ गया तो हम क्या करेंगे, उसके साइन कर देंगे चेंज और उसे सॉल्व करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस, ये सेम टर्म्स होंगी, सेम वैल्यूज रहेंगे, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो टू फोर में से टू गए तो कितना बचेगा, टू बचेगा। आपका बड़ा साइन आपका फोर नेगेटिव का है तो मतलब आपकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ठीक, बाकी जो टर्म्स हैं आपके वो हम नीचे एज इट इज उतार देंगे, मतलब माइनस सेवन एक्स प्लस टेन। ठीक है, अब आपको फिर से एक क्या मिल गया है, पॉलिनोमियल मिल गया है। हम इस फिर पॉलिनोमियल को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमें पॉलिनोमियल क्या है, 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। इसका पहला टर्म क्या है, माइनस 2x स्क्वायर। इसका पहला टर्म क्या है, x, इससे डिवाइड करना है तो क्या आएगा आपका 2x माइनस 2x। ठीक है, तो जो आपका माइनस 2x है वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। अब जो आपका माइनस 2x आया है उस माइनस 2x को हमें क्या करना है, इस पूरे में डिवाइड करना है। तो माइनस 2x को डिवाइड करेंगे इसमें तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा और 2 2 जा 4x, वो भी आपका पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4x। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसके साइन करने हैं चेंज, ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया। नेक्स्ट माइनस माइनस होगा आपका प्लस, तो 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11, तो 11x हो गया, ये प्लस 10 नीचे उतर गया।
फिर हमें क्या मिल गया है, एक बाइनोमियल मिल गया है और इस बाइनोमियल को इस बाइनोमियल से डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, इसकी पहली टर्म से इसकी पहली टर्म को डिवाइड करते हैं। तो इसकी पहली टर्म क्या है, 11x को डिवाइड करा हमने x से, तो आपका x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या आपको प्लस 11, ये आपका माइनस में है 11, ठीक है। तो ये आपका माइनस में 11 आएगा, माइनस 11, ठीक। तो ये माइनस 11 आया है आपका, तो माइनस 11 से इंटू करेंगे हम, तो क्या आएगा माइनस 11x और ये माइनस 22, 11 टू चाहे 22, ठीक है। अब क्या करना है, इसके साइन करना है हमें चेंज, ठीक। ये माइनस माइनस प्लस है यहाँ पे और ये आपका माइनस है, ठीक। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस इंटू होगा तो ये प्लस बना देगा, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे प्लस आया है, साइन चेंज करा तो ये नेगेटिव हो गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये तो कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट 22 में से 10 चले जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 12 बचेगा। बड़ा साइन आपका 22 माइनस में है, नेगेटिव में है, तो ये भी नेगेटिव आएगा। मतलब आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, माइनस 12 आ रहा है। हमने रिमाइंडर थ्योरम से जब इसका रिमाइंडर निकाला था तो वो सेम माइनस 12 आ रहा था। लॉन्ग डिविजन मेथड से जब रिमाइंडर निकाला था तो वो भी सेम आपका माइनस 12 आ रहा था, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चन लॉन्ग डिविजन मेथड वाले करने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन है 2x प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब और इसे डिवाइड करना है x प्लस 1 से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब हाईएस्ट डिग्री पहले आएगी, फिर उससे लीस्ट डिग्री, फिर उससे लीस्ट हाईएस्ट डिग्री और सबसे लास्ट में जो लीस्ट डिग्री रहेगी वो वाली टर्म आएगी, ठीक है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3x क्यूब है। तो सबसे पहले हमें 3x क्यूब लिखना है, फिर उसके बाद हाईएस्ट लीस्ट हाईएस्ट डिग्री क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, फिर उसके बाद ये 2x और फिर ये प्लस 5, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, इसको डिग्री के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें क्या करना है, ये चीज़ याद रखनी है। कभी कभी क्वेश्चंस आपको ऐसे ही आएंगे जो आपको अरेंज नहीं रहेंगे, आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा। अब हमें इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमने क्या सीखा है कि पॉलिनोमियल की पहले टर्म को बाइनोमियल के पहले टर्म से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपका पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है आपका 3x क्यूब, ठीक है। इसके पहले टर्म क्या है, आपका x है। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका, 3x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अच्छा इसमें भी प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे 3 है इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स है, ठीक है, मतलब x क्यूब है और यहाँ पे एक x है, x कैंसिल हो गया, तो मतलब यहाँ पे क्या आया आपका, 3x स्क्वायर आया, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा उसमें, वो सिंपल चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। तो हमने जब डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, वहाँ पे 3x स्क्वायर मिल गया। अब इस 3x स्क्वायर को हमें क्या करना है, जो आपका आया है डिवाइड करने पे, इसको हमें पूरे इस बाइनोमियल में इंटू करना है। तो पहले टर्म में जब इंटू करेंगे तो 3x स्क्वायर इंटू एक्स होगा तो 3x क्यूब बनाएगा, और 3x इंटू 1 होगा तो क्या बनाएगा आपका, प्लस 3x स्क्वायर बनाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके साइन करने हैं चेंज। तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस सेम टर्म्स हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो कितना बचा आपका, 3 में से 1 चला गया तो आपका 2 बचा, 2x स्क्वायर। यहाँ पे बड़ा नंबर मतलब आपका बड़ा क्या है, 3 है, वो नेगेटिव में है तो आपका साइन नेगेटिव में आएगा, प्लस 2x प्लस 5 इसको एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन वही स्टेप रिपीट होगा आपका, आपको फिर से एक पॉलिनोमियल मिल गया है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इस बाइनोमियल से। तो हमें पॉलिनोमियल क्या है, 2, उसकी पहली टर्म क्या है, माइनस 2x स्क्वायर। इस माइनस 2x स्क्वायर को डिवाइड करना है इसकी पहली टर्म x से,
तुम जब डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर जो डबल पावर में है वो सिंगल पावर में आ जाएगा, तो मतलब आपका माइनस टू एक्स आया है। अब ये माइनस टू एक्स यहाँ लिख देंगे और इसको पूरे को इंटू कर देंगे इस वाले बाइनोमियल में, ठीक है। तो माइनस टू एक्स इंटू एक्स, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन कर देंगे चेंज, ठीक। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नेक्स्ट प्लस माइनस प्लस 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 होगा तो 4x आएगा प्लस 5 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस वाली पहली टर्म को डिवाइड करना है इस वाली पहली टर्म से। तो ये इसकी पहली टर्म क्या है, 4x है, इसको डिवाइड करेंगे हम x से, तो ये 4 आएगा आपका, वो भी आपका किस में आ रहा है, पॉजिटिव 4 आ रहा है, तो पॉजिटिव 4। इसको फिर से इंटू करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो 4 इंटू एक्स 4x आएगा आपका और 4 बन जा 4, ठीक है। साइन कर देंगे चेंज, ठीक। तो यहाँ पे जब साइन हमने चेंज कर दिया तो क्या आया आपका, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस तो आपका 1 आया, ठीक है। तो 1 इज योर रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू योर लॉन्ग डिविजन मेथड। अब हम साइड में इसको क्या करने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम से एक बार चेक कर लेते हैं कि रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो आपका सेकेंड वाला बाइनोमियल है, इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तो x माइनस वन एक्स प्लस वन है आपका, x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। अब हमें पता है पी एक्स किसके बराबर दिया है आपका, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। तो पी एक्स की वैल्यू क्या आई है आपकी, माइनस वन आई है, माइनस वन हमें यहाँ पुट करना है, 3 माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस 2 माइनस वन प्लस 5। तो यहाँ पे करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये माइनस का बचेगा तो माइनस 3 और ये आपका प्लस 1 और ये माइनस 2 प्लस 5, ठीक है। माइनस माइनस हम क्या करना है, प्लस करना है, तो ये आपका 5 बचेगा, 5 वी माइनस का प्लस 5 प्लस 1, तो माइनस प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका प्लस 1 इज योर रिमाइंडर, ठीक है। तो दोनों ही मेथड से हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आपका लॉन्ग डिविजन मेथड से भी रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है और आपका रिमाइंडर थ्योरम से भी आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। हमने क्या बताया था कि जब आपका रिमाइंडर 0 होगा तभी ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, मतलब इस केस में ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है इसको, क्योंकि रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे कि आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है तो वो उसका फैक्टर होगा उस पॉलीनोमियल का, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो उसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉन्ग डिविजन मेथड। तो हमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है डिवाइड डिवाइड द पॉलीनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय ट्राइनोमियल x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक, मतलब आपका क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलीनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बट ट्राइनोमियल x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक नई चीज देखने को मिल रही है, डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो सिंपल कोई भी नंबर्स को डिवाइड करके हम आपको डिवीजन एल्गोरिदम समझाते हैं। तो जैसे अगर आपको 12 को डिवाइड करना है 8 से, ठीक, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 8 बन जा 8
बाकी कितना बच रहा है आपका, 4 बच रहा है। अभी हमें डेसिमल पे नहीं ले जाना है हमें इसे, ठीक है, होल नंबर्स के फॉर्म में रखना है, डेसिमल एक्सप्रेशन नहीं बनाना है। तो जब हमने इसे डिवाइड किया तो मतलब आपका रिमाइंडर 4 बच रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं हम डिवाइजर, इस चीज को क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं, इस चीज को डिविडेंट बोलते हैं, और इस चीज को हम रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है, ठीक। तो मतलब जिससे डिवाइड करने वाले हैं हम, उसे हम डिवाइजर बोलते हैं, जिसको डिवाइड करने वाले हैं हम उसे डिविडेंड बोलते हैं, जो डिवाइड करने पे आता है उसको क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं, और जो बचता है आपका रिमाइंडर उसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है, ठीक, क्लियर है। अच्छा, डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई कैसे होता है, ये सिंपल है आपका, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस आर इक्वल्स टू डिविडेंड, ठीक है। मतलब आपका डिवाइजर में अगर आप मल्टीप्लाई करो कोशेंट और प्लस करो रिमाइंडर तो आपका डिविडेंड आ जाएगा, ठीक है। इसे वेरीफाई करके देखते हैं, आपका डिवाइजर क्या था 8 इंटू कोशेंट क्या है आपका 1 प्लस रिमाइंडर क्या है आपका 4 इक्वल्स टू डिविडेंड क्या है आपका 12, ठीक है। तो 8 बन जा 8 प्लस 1, 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 12, 8 प्लस 4 करेंगे तो ये 12 आएगा, तो 12 इक्वल्स टू 12, तो ये वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। यही है आपका डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो हमें डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे और इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वेरीफाई होता है, मतलब आपका ये करने पे अगर आपका डिविडेंड के इक्वल आता है तो आपका मतलब जो भी आपने डिवीजन किया है वो सही किया है, अगर नहीं किया है तो आपका डिवीजन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो हम इससे वेरीफाई कर सकते हैं अपना आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर के हिसाब से इन पॉलिनोमियल्स के टर्म्स को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें दिख रहा है हाईएस्ट पावर क्यूब की है, यहां स्क्वायर की है, तो सबसे पहले यही आने वाला है आपका, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लो, आपकी हाईएस्ट पावर है माइनस एक्स क्यूब की, फिर 3x स्क्वायर है, फिर आपका माइनस 3x है प्लस 5 है, ठीक है। यहाँ भी सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, आपका मतलब जो आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर कर रहे हो ना, डिवाइजर है ना जो, उसमें भी क्या दिख रहा है आपको, ये भी अरेंज नहीं है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें इससे पहले अरेंज करना है। तो हाईएस्ट पावर है आपकी माइनस एक्स स्क्वायर की, देन प्लस एक्स, देन माइनस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखी है वैसे ही हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमने क्या सीखा है कि हम इसके पहले टर्म्स, इस पॉलिनोमियल के पहले टर्म को इस ट्राइनोमियल के पहले टर्म से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका पहला टर्म क्या है, माइनस एक्स क्यूब, इसको डिवाइड करना है माइनस एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर से एक एक्स, एक्स क्यूब का मतलब एक, मतलब एक एक्स बचने वाला है, कैसे, माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और नीचे है आपका एक्स इंटू एक्स, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दो एक्स से दो एक्स चलेगा, आपका एक एक्स बचेगा वहां पे, ठीक है। वही पॉजिटिव बचेगा क्योंकि नेगेटिव साइन आपके एलिमिनेट हो चुके हैं, तो एक्स बचा। अब हम इस एक्स को क्या करने वाले हैं, इस पूरे ट्राइनोमियल में इंटू करने वाले हैं, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस है तो माइनस एक्स क्यूब, देन एक्स इंटू एक्स आपका एक्स स्क्वायर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, देन एक्स माइनस वन तो माइनस एक्स आने वाला है आपका, तो माइनस एक्स, ठीक है। साइन कर देंगे हम चेंज, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया क्योंकि सेम टर्म्स हैं, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो 3 में से 1 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2x स्क्वायर, ठीक है। देन 3 में से 3 प्लस माइनस है ये, तो माइनस प्लस माइनस होगा तो 3 में से 1 चले जाएगा तो 2 बचेगा, तो माइनस 2x प्लस 5। देन हमें एक ट्राइनोमियल मिल गया, अब इस ट्राइनोमियल को इस ट्राइनोमियल से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करेंगे, तो इसकी पहली टर्म क्या है 2x स्क्वायर, इसकी पहली टर्म क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस यहाँ आ जाएगा ये, तो माइनस 2 आएगा, ठीक है। तो माइनस 2 को हमें यहाँ लिख देना है। अब जो आपका माइनस 2 आया है
उस माइनस टू को हमें क्या करना है, इस पूरे ट्राइनोमियल में इंटू करना है। तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स, तो माइनस 2x, देन 2 वन जा 2, वो भी माइनस माइनस आपका पॉजिटिव बना देगा। देन साइन कर देना है हमें चेंज, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस तो ये भी कैंसिल हो गया, देन 2 प्लस 2, 5 में से 2 जाएंगे तो आपका 3 बचेगा, तो 3 इज योर रिमाइंडर। किया गया है इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसका रिमाइंडर फाइंड किया है, ठीक है। अब हमें और क्या करना है, इसको डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई भी करनी है, तो हम इसके डिवीजन एल्गोरिदम भी वेरीफाई कर देते हैं। इससे पहले हमने क्या किया है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको इसका डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई करने वाले हैं। तो आपका डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, आपका डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर किसके बराबर होता है, आपका डिविडेंड के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पे आपका डिवाइजर क्या है, डिवाइजर इज योर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है। इसको इंटू करता है कोशेंट, कोशेंट इज योर एक्स माइनस टू, देन योर रिमाइंडर इज योर 3 इक्वल्स टू डिवाइजर के डिविडेंड के बराबर आएगा, डिविडेंड इज योर माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। तो अगर हम इस साइड को सॉल्व करेंगे, अगर ये इस साइड के बराबर आएगा तो आपका डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पहली टर्म से इसके तीनों टर्म्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो x इंटू होगा माइनस एक्स स्क्वायर में, तो क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब, देन x इंटू होगा प्लस x में, तो क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन x मल्टीप्लाई होगा माइनस वन में, तो माइनस एक्स आएगा, ठीक है। अब फिर से हमें क्या करना है, इसकी सेकेंड टर्म से इन तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर, देन 2 इंटू माइनस 2 इंटू एक्स, तो माइनस 2x, देन 2 इंटू 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 2 और प्लस 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो हम लाइक टर्म्स देखेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपका यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो कितना बचाएगा, माइनस 2 प्लस 1 3, माइनस 3x प्लस 3 2 5, ठीक है। अब ऐसे हम देखते हैं तो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका, तो आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो मतलब ये आपका वेरीफाई हो रहा है। तो डिवीजन एल्गोरिदम से भी हम वेरीफाई करके देख सकते हैं कि ये इसको डिवाइड करता है या नहीं करता है। तो हमने दो मेथड, बेसिकली दो मेथड सीखी है ये वेरीफाई करने की, एक आपकी रिमाइंडर थ्योरम है और ये आपकी दूसरी वाली है डिवीजन लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल और नॉट। Now we are going to discuss most important question based on your long division method from chapter 2 polynomial, ठीक है। So the question is, find all the zeros of polynomial 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if 2 of its zeros are under root 2 and minus under root 2, ठीक है। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या दिया है, इस polynomial के दो zeros दिए हैं, हमें बाकी के zeros find करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ी है तो हम जब जो जीरोस निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, जैसे आपको दिया है x माइनस 2 और x प्लस 2, लास्ट में जब हम मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का लास्ट स्टेप करते हैं तो हम क्या करते हैं, x इक्वल्स इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, तो
x इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको भी जीरो के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल्स माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो जीरोज आते हैं वो आपके जैसे अगर आपका जीरो टू है तो हमें ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, x माइनस टू लिखा होगा। अगर आपका जीरो माइनस टू है तो ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, x प्लस टू लिखा होगा, ठीक है। तो हम इस सेम कॉन्सेप्ट का क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यही सेम चीज हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अगर आपका जीरो अंडर रूट टू है तो मतलब आपको ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, एक्स माइनस अंडर रूट टू। अगर आपका जीरो माइनस अंडर रूट टू है तो क्या लिखा होगा, एक्स प्लस अंडर रूट टू इक्वल टू जीरो। मतलब ये इसके वेक्टर्स है, ठीक है। अब इनको क्या देखो, इनको गौर से देखेंगे हम तो हमें क्या दिखेगा, ये एक आइडेंटिटी है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आइडेंटिटी का फॉर्म क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको क्या लिख देंगे हम, ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। तो जब हम यहाँ से ये बाइनोमियल निकाल लेंगे इनका यूज करके, तो हमें क्या करना है, इस पूरे पॉलिनोमियल को इस बाइनोमियल से फिर से एक बार डिवाइड करना है, ठीक। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। उसे डिवाइड करा है हमने किससे, एक्स स्क्वायर माइनस टू से, ठीक है। तो इसको इसके पहले टर्म से डिवाइड करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, 2x4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2, तो 2x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। उस 2x स्क्वायर को हमें यहाँ लिख देना है और इसको पूरे इस पूरे बाइनोमियल के दोनों टर्म से डिवाइड इनटू करना है। तो 2 to the power 2x 4 हो जाएगा ये एज इट इज, 2 to the 4 तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा। तो देखो यहाँ पे x क्यूब है तो मतलब इसको इसके नीचे नहीं लिखा जा सकता, वो इसका लाइक टर्म नहीं होगा, तो हमें किसके नीचे लिखना पड़ेगा, इसके नीचे लिखना पड़ेगा। 2 to the 4x square माइनस 4x स्क्वायर आएगा आपका, ठीक है। अब माइनस 4x स्क्वायर आ गया, अब हम क्या करेंगे, साइन करेंगे चेंज, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस माइनस 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 3x क्यूब प्लस माइनस माइनस, तो देखो 4 में से आपका 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, पॉजिटिव x स्क्वायर बचेगा प्लस 6x माइनस 2। और फिर से हमें क्या करना है, इसके पहले टर्म से डिवाइड करना है। तो माइनस 3x क्यूब को डिवाइड करेंगे हम x स्क्वायर से, तो हम डिवाइड करेंगे तो 1x बचेगा, ठीक है। माइनस 3x बच रहा है, मतलब आपका माइनस 3x, ठीक है। अब माइनस 3x से क्या करना है, इसको पूरे को अपन को मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना बचेगा, माइनस 3x क्यूब, ठीक। अब माइनस 3 to the 6x प्लस 6x आ रहा है, तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि x स्क्वायर लिखोगे आप x स्क्वायर के नीचे नहीं सकते, क्योंकि वो इसका लाइक टर्म नहीं है। बाकी आपका 6x किसका लाइक टर्म है, 6x का लाइक टर्म है, तो ये पॉजिटिव आएगा आपका प्लस 6x, ठीक है। अब इसके साइन कर देंगे चेंज, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2। या फिर से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है तो क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर को करना है एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो मतलब आपका 1 आ रहा है, तो 1 हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव 1 आ रहा है। अब इस 1 को क्या करेंगे हम, इस पूरे टर्म से डिवाइड इनटू करेंगे, तो 1 इनटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर आएगा, 1 इनटू माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 आएगा। अब हमें साइन करने हैं इसके चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो आपका रिमाइंडर आ रहा है 0, ठीक है। तो हमने क्या किया है, जब इसे डिवाइड किया है तो ये आपका डिवाइजर आ रहा है, ये आपका कोशेंट आ रहा है, और रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको एक और बार क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, कैसे, हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब हम 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसको हम लिख क्या सकते हैं, देखो
जब हम किसी चीज़ को इंटू करते हैं, दो जैसे आपको 12 दिया है, अगर हम 12 को क्या करें, 6 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 6 टू जा 12, आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, मतलब आप 12 को क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक है, वही आपका डिवीजन एल्गोरिदम है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका डिवाइजर इंटू कोशेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपका डिवाइजर क्या है, आपका डिवाइजर इज योर एक्स स्क्वायर माइनस टू, और आपका कोशेंट क्या है, आपका 2x² - 3x + 1, ठीक है, यही डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करा है हमने, मतलब आपका ये पूरा पॉलिनोमियल है, इसको इसके मतलब जो आपका डिवाइजर इंटू कोशेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसका डिवाइजर इंटू कोशेंट किसके इक्वल आएगा, इसी के इक्वल आएगा, ये हम डिवीजन एल्गोरिदम में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0, हम करते क्या है, इसके कोफिशेंट एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट का इंटू करते हैं 1 में, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म में, तो 2 × 1 = 2 आएगा, फैक्टर आपका 2 ही आ रहा है, तो 2 का फैक्टर, ठीक है, तो आपका फैक्टर 2 ही आ रहा है। अब 2 को आपको स्प्लिट करना है -3 आ जाए, तो उसको स्प्लिट करेंगे हम, तो क्या करेंगे, 2x² - 2x - x + 1, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो हमें 2x कॉमन दिख रहा है, मतलब आपका x - 1, और यहाँ पे आपका x - 1 आना चाहिए कॉमन, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने क्या लिया होगा, -1 कॉमन लिया होगा, ठीक है, तो मतलब आपका 2x - 1 और x - 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0, तो मतलब आपका x इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/2, और एक और x = +1, ठीक है, तो मतलब हमने बाकी के 2 जीरोस फाइंड कर लिए हैं, हमें √2 और -√2 दिया था, मतलब बाकी के जीरोस क्या हैं आपका 1/2 और 1 इज योर रिमेनिंग जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है। तो कैसे किया हमने, एक बार फिर से देख लो, हमें सबसे पहले क्या करना है, ये तो जो जीरोस दिए रहेंगे हमें उसको क्या बनाना है, जैसे यहाँ पे √2 पॉजिटिव है तो x - √2 एक जीरो का फॉर्म बन जाएगा, दूसरा -√2 है तो x + √2 दूसरे जीरो का फॉर्म बन जाएगा। यहाँ पे हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, a - b, a + b, तो a² - b² के फॉर्म के बराबर होती है, जब उसे हमने सॉल्व किया तो हमें ये चीज मिल गई x² - 2, इसको सॉल्व करने पे हमें x² - 2 मिल गई। तो जब हमें ये बाइनोमियल मिल जाएगा, हम क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल को इस बाइनोमियल से क्या करना है, डिवाइड करना है, इस पूरे पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड करा हमें, तो हमें एक कोशेंट मिल गया 2x² - 3x + 1, ठीक है। तो जब हमें कोशेंट मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, उस पूरे पॉलिनोमियल को इस डिवाइजर इंटू कोशेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर तो आपका 0 है, यहाँ अगर प्लस रिमाइंडर कर दो तो वो 0 आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ हम डिवीजन एल्गोरिदम यहाँ अप्लाई कर देंगे, ठीक है, मतलब इसको किसके इक्वल रख सकते हैं आप, x² - 2 × 2x² - 3x + 1 के इक्वल रख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। जब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमने स्प्लिट कर दिया तो हमें क्या मिल गया, ये रिमेनिंग जीरोज और मिल गया, मतलब पूरे जीरोज क्या है आपका √2 और x = -√2। तो यहाँ पे 4 जीरोज है इस पॉलिनोमियल के। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये थोड़ा लेंदी भी है, ठीक है, थोड़ा टिपिकल भी है, तो ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप पे बनना ही चाहिए। सो दिस वॉज द एक्सरसाइज दैट आई हैव डिस्कस बेस्ड ऑन लॉन्ग डिविजन मेथड फॉर योर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम, वी आर गोइंग टू डू सम मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर आर डी शर्मा एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।